कबीरदास, हिंदी साहित्य का ऐसा नाम जिसका जिक्र किए बिना आप हिंदी साहित्य को पूरा समझ ही नहीं सकते हैं। भक्ति काल के भवसागर की बात हो या जिंदगी जीने के फलसफे की बात हो, संत कबीरदास की रचनाएं काल चक्र से परे है। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से मैं कबीरदास की बात क्यों कर रही हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग को छोड़कर उनके दोहों का जिक्र यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो आज की हमारी ये ख़ास पेशकश जो है कबीर के दोहों पर ही आधारित है। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ही करने वाले हैं, आपके पैसों को बचाने और उन पर मुनाफा कैसे कमाया जाए बात तो वही होगी, लेकिन इसकी भाषा होगी कबीर के दोहों के ज़रिए। और इसके लिए मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, मेरे साथ दोहानॉमिक्स के लेखक हैं, फाइनेंशियल कोच और पब्लिक स्पीकर विनायक सप्रे, जो कि मॉडर्न कबीर के नाम से भी जाने जाते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली के मौके पर हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में आपने शिरकत की, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपके ज़रिए हम एक तो कबीर के दोहों को जानेंगे और कबीर के दोहों के ज़रिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग की सीख भी लेंगे, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, असमंजस में होंगे कि यहाँ पर होने क्या वाला है, तो चलिए बात तो हमेशा हम बाज़ार की चाल से ही करेंगे। पिछला एक साल निवेशकों ने बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। जिन्होंने केवल दो साल पहले ही निवेश किया होगा उनके लिए तो चाल बड़ी अचंभे वाली रही होगी। जो बहुत पहले निवेश करके बैठे होंगे वो शायद बाज़ार के उतार चढ़ाव से परिचित हो सकते हैं, लेकिन पिछला एक साल जहां कमाई नहीं हुई है, इस पर कबीर जी क्या कहते हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और इस पर मुझे एक बात जो समझ में आती है कि जैसे आपने शुरू में ही कहा कि बाज़ार उतार चढ़ाव से गुजरा है एक साल में, और ये बाज़ार का स्वभाव है। बिल्कुल। तो जो भी निवेशक मार्केट में आता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि बाज़ार उतार चढ़ाव से गुजरेगा। बिल्कुल। चूँकि दिवाली का वक्त है, हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि अपने पोर्टफोलियो की भी थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। बिल्कुल सही। और क्योंकि पिछले एक साल में आमतौर पर रिटेल निवेशकों के साथ ऐसा होता है कि किसी की कही सुनी बात पे निवेश कर लेते हैं। हाँ, हाँ। और बाद में पता चलता है कि वो निवेश ठीक नहीं रहा है। हाँ। और वो आपके पोर्टफोलियो में कहीं अटका रहता है, आप उसको निकालते नहीं। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा टाइम है कि आप उस जो ऐसे नॉन मीनिंगफुल चीज़ें हैं, जो स्टॉक हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उससे आप छुटकारा पाइए। ओके। और उसके बाद अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम लंबे समय के लिए अगर निवेश कर रहे हैं तो बाजार उतार चढ़ाव से गुजरेगा। शुरुआत में रहीम के दोहे से कर रहा हूँ, जब रहीम कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए, रहीमन चुप हवे बैठिए, देखी दिनन को फेर, के शांत बैठो, जो जैसा चल रहा है उसको देखने दो, ऑब्जर्व करो, जब नीके दिन आई हैं, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी है देर, तब रिटर्न बनने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ। और आमतौर पर अगर आप देखो तो 7 साल या उससे अधिक समय तक आपने अगर निवेश किया हुआ है सेंसेक्स में या इंडेक्स में किसी भी, तो आपने पैसे बनाए हैं, गवाए नहीं। तो इसलिए एक तो धैर्य रखने की ज़रूरत है, उतार चढ़ाव मान लीजिए कि ये स्वभाव है। हाँ। और संकल्प लीजिए कि जो नॉर्मल कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक सफल निवेशक बनने के 2 तरीके हैं। एक है कि आपके सारे कॉल्स सही जाएं, मतलब जहाँ पे भी आप निवेश करें वो निवेश जिस दिन आप निवेश करें वहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए। ओके। कि जिस स्टॉक में आपने पैसा डाला वो ऊपर भागे, या रियल एस्टेट में डाला या गोल्ड में डाला उसका भाव ऊपर हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ। मतलब आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हम अपनी गलतियां कैसे कम कर सकते हैं, जो कि आपके कंट्रोल में है। हाँ। बाजार निवेश को लेकर, निवेश को लेकर तो बाजार की चाल आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आपके हाथ में जो है, आपके कंट्रोल में वो है, अपनी गलतियाँ अगर आप कम कर लेते हैं तो आप सफल निवेशक बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल। तो सफल निवेशक बनने का नुस्खा क्या है, और संत कबीरदास यहाँ पर सफल निवेशक के किस तरह की क्वालिटीज़ बताते हैं? देखिए, आपने शुरुआत में ही कहा कि कबीर साहब ने लाइफ लेसन्स दिए हैं। बिल्कुल। और अगर हम उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मॉडर्न या आधुनिक युग में देखें, तो जितने ये बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं जो बिहेवियरल फाइनेंस की बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप आमतौर पे निवेशक पैसा बनाता है या गंवाता है उस
बहुत कुछ डिपेंड करता है बहुत कि उसका अपने पैसे के प्रति व्यवहार कैसा है, व्यवहार कैसा है, सही कह रहे हो। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है हर्ड मेंटालिटी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में कहते हैं भेड़ चाल का पालन करना। हाँ। तो आप अक्सर देखेंगे कि चाहे वो पिछले 2-3 साल में देख लीजिए, क्रिप्टो की बात हो या नॉर्मल स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स की बात हो, 2008 में हमने एक बड़ा कार्नेज देख ही लिया था कि लोग देखा देखी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ। और वो भेड़चाल का पालन करते हैं। तो कबीर बहुत खूबसूरती से एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मूड मुड़ाए हरी मिले, हर कोई ले मुड़ाए। अगर बाल मुड़ाने से भगवान मिल जाते तो हर किसी को अपने बाल मुड़ा लेने चाहिए। बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। हाँ। लेकिन वो भेड़ जिसके हर साल बाल मुड़ाए जाते हैं तो क्या उसको मोक्ष मिलता है? तो उसका उत्तर है नहीं। अच्छा, जब आप भेड़ चाल का पालन करते हैं तो उसमें होता क्या है? आमतौर पर बाज़ार या जहाँ भी आप निवेश कर रहे हैं वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आप चट पैसा बनाने के चक्कर में होते हैं कि यू नो आप ओवरनाइट पैसा बना लें, 10 दिन में डबल कर लें, 15 दिन में कर लें, और जब बाज़ार गिर जाता है तो आप मजबूरन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। हाँ। लंबी अवधि के निवेशक। हाँ। बन जाते हैं। तो ऐसे में वो जो डेस्टिनी है, जो मनोदशा है एक निवेशक की, रिटेल निवेशक की खास करके, उस पर वो कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाज़ार धड़ाम से नीचे गिर जाए, क्रैश कर जाए, तब रिटेल निवेशक क्या कहता है? रिटेल निवेशक कहता है कि सर सूखे पंछी उड़े और सरन समाही। सर मतलब सरोवर, सरोवर सूख गए। इसको अगर आप मार्केट से देखें। हाँ। तो मार्केट सूख गया। हाँ। क्योंकि जो जूस था वो निकल गया है। हाँ, बिल्कुल। और गिर गया। हाँ। तो सर सूखे पंछी उड़े, ये पंछी कौन थे? ये बड़े निवेशक थे, हो सकता है आप FII उनको नाम दें, या जो बड़े निवेशक हैं। और सरन समाही, दूसरे सरोवर चले गए, मतलब दूसरे मार्केट में चले गए। दीन मीन बिन पंख के, अब वो रिटेल निवेशक है वो उस मछली की तरह, मीन मतलब मछली, तो वो मछली की तरह है। वो कहता है कि मैं तो उस मछली की तरह हूँ जिसके पंख नहीं है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं छिछले पानी में तैर रहा हूँ। तो आमतौर पर रिटेल निवेशक के साथ यही होता है कि जब वो गिर जाता है फिर कहते हैं कि ये बाज़ार तो सट्टे वालों के लिए है या हमारे लिए नहीं है। लेकिन उसको, क्योंकि उसको समझ नहीं पाते हैं कि उसके लिए किस तरीके के टेम्परामेंट की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। संत कबीरदास की जब भी बात होती है, समाज सुधारने वाले और समाज के ऐसी बहुत सारी धारणाओं को पर सवाल उठाने वाली उनके दोहे हैं, उनकी रचनाएं हैं, कहीं ना कहीं समाज में एक नई सोच उत्पन्न करने वाली उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इन्वेस्टर मेंटालिटी पर ही अगर मैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में आपसे जानना चाहूं, जो शायद आपको मजबूर करती है कि आप सोचें आप किस तरह के निवेशक हैं, कुछ इस तरह की रचनाएं जो आपको सबसे पहले तो ये क्वालिफाई करा दे कि आप एक निवेशक हैं, उसके बाद आपको ये समझने में सहायता करे कि आप किस तरह के निवेशक हैं, कौन सी होंगे। एक तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि क्वालिफाई कराएं आपको कि वो आप निवेशक हैं। बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि फर्क क्या है। बिल्कुल, तो अगर आप निवेशक हैं तो पहले आप ये जान लीजिए कि पैसा, आपको ये सोचना है कि पैसा जल्दी बनाना है या ज्यादा। हाँ, दोनों में से एक चीज, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो अगर पैसा ज्यादा बनाना है तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है, और अगर धैर्य रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, तो पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी, संभावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन भी संभावनाओं का ही खेल है, जैसे निवेश भी संभावनाओं का खेल। तो क्या उन संभावनाओं को आप कैसे मजबूती देते हैं, तो ये आपका व्यवहार बताता है। जैसे कि अगर आपने धैर्य रखा, अक्सर ये होता है कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं भगवान मुझे धैर्य दो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। तो मुझे धैर्य चाहिए और अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अगर आपको निवेश करना है तो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करिए, और ऐसा नहीं है कि आज अचानक मन आया आपने कर दिया, उसके बाद आप फिर सोच रहे हैं कि 4 महीने में पैसा डबल हुआ या नहीं हुआ। हाँ। अगर आप एक सीरियस निवेशक हैं, एक वाकई लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो रेगुलरली निवेश करिए, भले ही छोटी राशि से करिए, लेकिन रेगुलरली करिए।
तो जो भी ये सोच रहे हैं कि ये दिवाली नहीं अगली दिवाली से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपको सीख मिल गई है। लेकिन पिनायक जी, बहुत ज़रूरी है, देखिए मोटा मोटी बहुत निवेशकों को और जो पुराने निवेशक हैं उनको समझ में तो आता है कि आपको बाज़ार में पेशेंस के साथ काम लेना है, चलना है, लेकिन अनिश्चितता जो होती है ना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको बहुत सारे निवेशक समझ नहीं पाते, उसको नहीं झेल पाते हैं। उसे पार कर पाने में या उस समय को, क्योंकि वो समय बहुत कठिन होता है, बाजार उसकी तो नियत ही है उतार चढ़ाव वाली, तो उतार चढ़ाव के वक्त अपने आप को कैसे संभालना है, अपने पैसों पर किस तरह से भरोसा दिखाना है, अपने निवेश विकल्पों पर किस तरह से भरोसा दिखाना है, इसको लेकर कबीर जी क्या कहते हैं? इसको लेके अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने कन्विक्शन रखा हुआ है और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, संबंध में बात करें, तो हम एक ग्रोइंग इकॉनमी है, हमारी बाकी देशों के मुकाबले हमारी रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, कि इसको ग्रेजुएशन कराना है या डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हो सकता है कि इन बिटवीन कभी किसी टर्म एग्ज़ाम में उसके नंबर ख़राब आ जाए, है ना, तो क्या आप उसको पढ़ाना छोड़ देंगे? नहीं, आप, क्योंकि आपने सोचा ही है कि इसको लॉन्ग टर्म में इसको डॉक्टर बनाना है। तो सिमिलरली आपको निवेश पे भी वैसे ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंस मत होइए ऐसे लोगों से जो आपको रातों रात पैसा बनाने के आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, आमतौर पे गलतियां लोग ये करते हैं कि लालच, मेरे ख्याल से लालच में पड़ जाते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मान लीजिए उनके चक्करों में जब आप आते हैं, तो हम लोग बॉम्बे में हैं, यहाँ पे ग्लैमर बिकता है, और फाइनेंस में भी अगर हम बात करें तो ग्लैमर का बोलबाला है। तो इस पर कबीर साहब कहते हैं कि आप, हम, मेरे आप जैसे कितने लोग, कितने भी हम वक्त गुजार दें लोगों को समझाने में, लेकिन आप हमेशा पाएंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे नहीं बना पाते हैं, उसके पीछे उनका स्वभाव आता है। तो तब मेरे आप जैसे लोग कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं जब स्टोरीज सुनते हैं कि अरे इतना समझाने के बाद भी इंसान ने, इस व्यक्ति ने मेरी बात सुनी नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, कि लोगों को सच्ची बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को छलावा बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको ज़्यादा वो रोचक लगती हैं क्योंकि वहाँ पे एक्शन है। तो साँचे कोई न पति जई, झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए, कि दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है और शराब बैठे बिठाए बिक जाती है। सही बात है। तो लोगों को एक्साइटमेंट जब भी चाहिए होता है, या जल्दीबाजी करनी होती है, या ग्रीड जो होती है, लालच जो होता है, उस वजह से लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। तो और तब मेरे आप जैसे लोग जो जगह जगह घूम घूम के इन्वेस्टर एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। तो एक तो आपको ज्ञान होना चाहिए, आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, आप जिस भी निवेश विकल्प में डाल रहे हैं तो उसके बारे में पढ़िए, लिखिए, जानिए। लेकिन बहुत लोगों में भरोसा नहीं है, जोखिम उठाने की जो क्षमता होती है ना लोगों की, एक तो उनको पता नहीं होती और दूसरा वो लेना भी नहीं चाहते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुनाफा चाहिए, कमाई चाहिए, बम्पर मुनाफा होना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। तो रिस्क आप कितना उठा पाएं, रिस्क आपको कब उठाना चाहिए, इसको लेकर समझाएंगे। तो बहुत सटीक क्वेश्चन इसलिए है कि आमतौर पे ऐसे सवालों का लोग एड्रेस नहीं करते हैं। हाँ। इसको सवाल उठाते नहीं हैं। जब हम बात रिस्क की करते हैं तो रिस्क दो तरीके का है। रिस्क ये है कि अगर हम इसको मैं अंग्रेजी में बताने की कोशिश करूँ कि देर इज़ अ रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क। बिल्कुल सही बात है, नहीं लेना भी एक रिस्क है जी। हाँ। अगर मैं उसको क्रिकेट की भाषा में आपको समझाऊं तो 1975 में इंडिया इंग्लैंड के बीच एक मैच हुआ। हाँ। और 60 ओवर में इंग्लैंड ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया और उनके एक बल्लेबाज जो आई थिंक डेनिस एमिस थे, वो ओपनिंग करके लास्ट तक आउट नहीं हुए। अच्छा, ठीक है, इंडिया ने उसका जवाब दिया। अच्छा। और सुनील गावस्कर जो बैट कैरी बोलते हैं कि अगर आप इनिंग की शुरुआत से लेकर आखिर तक आउट नहीं हुए तो उस बल्लेबाज को बैट कैरी करना कहते हैं, वो बैट कैरी किया। सुनील गावस्कर ओपनिंग बैट्समैन थे, 60वें ओवर तक आउट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बनाए 36 रन। अच्छा, तो रिस्क नहीं लिया। हाँ, हाँ, लेकिन मैच हार गए। हाँ,
तो रिस्क क्या है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मेरी जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे कि नहीं होंगे। मैं जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ रही है, आप अगर आज शिक्षा में देख लीजिए, आप चिकित्सा में देख लीजिए, हर जगह इन्फ्लेशन जो महंगाई की दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसको हराना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो एक अक्सर आमतौर पे लोग इस मुगालते में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं, विशेष करके जो प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, कि वो 58 या 60 साल की उम्र तक नौकरी कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं लोगों को, ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो कह लीजिए कि रिडंडेंट हो जाएंगे, जिसका कोई मायने नहीं रहेगा। और या फिर जो हमारी हमारा देश नौजवानों का देश है, तो ऐसे भी बहुत सारी वर्कफोर्स में लोग होंगे जो ऐसा काम, जो 45 साल का व्यक्ति जो मान लीजिए 20 लाख रुपए साल का ले रहा है, वो 35 साल का लड़का 10 लाख रुपए में करने को तैयार होगा। और ऐसी कोई टेक्निकलिटी उसमें है नहीं कि वो नहीं किया जा सकता। हाँ। है ना, तो जॉब लॉस होने के या सैलरी कट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप जल्दी शुरुआत नहीं करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, इसलिए मैं रिटायरमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ। क्योंकि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों को रिटायरमेंट नेगेटिव वर्ड लगता है और कहते हैं कि अरे तो 35 साल बाद की बात है, 30 साल बाद की बात है। लेकिन फैक्ट ऐसा है, सच्चाई तो ये हो सकती है कि आप 45 या 50 साल की उम्र तक ऐसे हो जाएं कि आप शायद एम्प्लॉयबल ना हो, रोजगार देने लायक ना रहें। तो इसलिए आपको निवेश जल्दी से जल्दी शुरुआत करने की ज़रूरत है और वहाँ पर आपको कदम उठाने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अपने निवेश का रिस्क आपको तो लेना ही पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। हाँ। और जो आप कहते हैं कि पुराने ढर्रे से जो निवेश कर रहे हैं उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। तो ऐसे में गुरु की बात पर ही मैं आती हूँ। फाइनेंशियल प्लानर के महत्व को लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आप एक वीकेंड पे फिल्म देखने चले जाते हैं, तो आपके पैसे वहाँ पे भी खर्च होने हैं, पैसे दे के थोड़ी अच्छी सलाह भी आप ले लीजिए तो आपके फ़ायदे की ही बात हो जाएगी। बहरहाल अब सवाल यहाँ पर यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर, एक फाइनेंशियल प्लानर की आपकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, और अगर इनको मैं गुरु के रूप में समझना चाहूँ तो क्या क्वालिटीज़ बताते हैं गुरु में होनी चाहिए कबीर साहब? ओके, इसमें मैं दो तीन चीज़ें कह सकता हूँ, दो तीन शायद दोहे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग। मतलब मुझे एक ऐसे एडवाइज़र की, मुझे एक ऐसे साधु की तलाश है जिसका मन मेरे अंदर लगा हो। विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रन। बुरे वक्त में मुझे छोड़े नहीं, बल्कि चार गुना ताकत से मेरा हाथ पकड़ के खड़ा रहे। आमतौर पर निवेशकों का जो अनुभव है वो ख़राब क्यों है कि वो जो तथाकथित एडवाइज़र है वो बुरे वक्त में गायब हो जाता है। हाँ। जब मार्केट गिर जाता है तो वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है ना। तो मैं उसको आमतौर पर अपने जब मैं रोड शोज़ करता हूँ या इन्वेस्टर की बात कबीर के साथ करता हूँ, उसमें एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना। हाँ। और उसमें एक कैरेक्टर है क्राइम मास्टर गोगो। हाँ। वो कहता है आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँगा। हाँ। तो आमतौर पर लोगों का जो परसेप्शन है एक एडवाइज़र के बारे में वो गोगो जैसा है। हाँ। तो आपको एक ऐसे एडवाइज़र की तलाश होनी चाहिए जो जिसका मन आपके अंदर लगा हो और जो आपको बुरे वक्त में छोड़े नहीं और आपको सिर्फ पैसा मैनेज ना करे, आपको गलतियां करने से रोके। और इसीलिए आपका एनलाइटन, आपकी एम्पावरमेंट हो, आपको एजुकेट रेगुलरली करता रहे। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस स्पर्श ते सो भी कंचन होए। कि ऐसे साधु की संगत की, अगर साधु की संगत करेंगे तो निष्फल नहीं जाएगी। हाँ। जिस तरह से लोहा पारस पत्थर के टच में आता है तो सोना बन जाता है। हाँ। इसी तरह से आप एक अच्छे निवेशक के तौर पर निखर के सामने आओगे अगर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, पैसे कमाना तो एक पहलू है लेकिन अपने पैसों को जीना भी बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है, आप हर किसी के अलग अलग भावनाएं होती हैं और अलग अलग रिश्ता होता है अपने पैसों को लेकर। बहुत सारे लोगों के रिश्ते एक्सट्रीम में होते हैं, या तो लोग बहुत ज़्यादा ही पैसे बचाते हैं या तो बहुत ज़्यादा ही खुले हाथ के होते हैं। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसे है, कैसे अपने पैसों की प्लानिंग के साथ साथ आप उन्हें आज भी जीने की कोशिश करें, इसको लेकर क्या कहते हैं कबीर साहब? तो आप ऐसे निवेशक, निवेश के जो पर्याय हैं, जो विकल्प हैं, ऐसे देखिए जहाँ की लिक्विडिटी काफ़ी हो। हाँ।
है ना। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि आपने मैक्सिमम निवेश रियल एस्टेट में किया हुआ है और उसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप कोई किचन बेचेंगे नहीं, आपको पूरा अपार्टमेंट बेचना पड़ेगा। तो रहीम साहब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लिक्विडिटी की ज़रूरत है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, हमारे शरीर के अंदर भी 60% से ज़्यादा पानी है, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कि पानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर नहीं होगा तो उससे न मोती होगा, मोती पानी से आता है, मानुष जिंदा नहीं रहेगा, और चून मतलब आटा, आटे में अगर पानी नहीं होगा तो आप रोटी नहीं खा सकते। तो इसलिए जब लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे तो आप पैसे का आनंद भी ले सकते हैं। जो तो कबीर साहब इस पर कहते हैं इमरजेंसी फंड इसीलिए बनाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कबीर साहब कहते हैं कि पैसे को एंजॉय करना जरूरी है, जब सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा। और वो दोहे में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरेला थैला, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो संग न चले ढेला। के आप कौड़ी कौड़ी जोड़ के आप पूरे थैले भर रहे हो, लेकिन आप तो खाली हाथ जाने वाले हो, सही बात है ना, तो इतना करके भी आपके साथ एक ढेला जाने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा है कि आप उस पैसे को एंजॉय करो और उसका आनंद लो, क्योंकि ऐसा पैसा किस काम का जब उसका कोई आप आनंद नहीं ले सकते। सही बात है, और अपने पैसों को सही तरीके से प्लान करके जाइए, एस्टेट प्लानिंग ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर पहले से लोगों को कह दिया जाए कि अपनी विल बनाइए, अपनी वसीयत बनाइए, तो बुरा मान जाते हैं। तो भले ही आपके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद ना हो बांटने के लिए, लेकिन एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, आगे आपके पैसे कैसे आपको कमा कर दे सकें और आपके बाद आपके अपनों को कमा कर दे सकें, इसके बारे में क्या कुछ है? बिल्कुल, तो इस बारे में मैं कबीर का दोहा तो नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत आवश्यक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ महिलाओं से रिलेटेड। आजकल अगर आप महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देना चाहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं 35 साल 36 साल की उम्र तक, मतलब 10-12 साल नौकरी करने के बाद छोड़ देती हैं नौकरी करना। अगर वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती रहें पहले 10-12 साल तक, उसके बाद भले ही पैसे निवेश करना बंद कर दें लेकिन रोक के रखें, तब भी वो 20-22-25 साल बाद जब वो पैसा उनके पास इकट्ठा होगा ना, वो उनको बहुत अच्छी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करिए और जल्दी शुरुआत करते हैं, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा और अगली जनरेशन के लिए आप एक सुदृढ़ नींव खड़ी करते हैं। तो आज के माहौल में ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा सही बैठता है, वो है सही तरह से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। अक्सर बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो अगर स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने पोर्टफोलियो को नहीं बनाते हैं, तो बाज़ार की हर उतार चढ़ाव में अपने पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे एक्सपोजर कम ज़्यादा करते रहते हैं। चंचल मन है ना, और हर्ड मेंटालिटी है उसके पीछे, इस चंचलता से कैसे बचा जाए और डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन के महत्व को कैसे समझा जाए? उसके फायदे ये हो सकते हैं कि आपको पता है कि आपको कितनी निश्चित धनराशि चाहिए आपके रिटायरमेंट के होने तक, या कह लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती है कविता जी, तब आपकी स्थिति एक राजा, उस राजा की तरह होती है जिसको रहीम साहब बड़े अच्छी बात कहते हैं कि खर्च बढ़े हो उद्यम घटे हो, नृपति निठुर मन की, कि मेरा खर्च बढ़ गया है। क्योंकि याद रखिए कि आपके खर्च कम नहीं होने वाले हैं, जिस तरह से मेडिकल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो मेडिकल का खर्चा बढ़ते जाने वाला है। तो खर्च बढ़े हो उद्यम घटे हो, खर्चा बढ़ गया कमाई कम हो गई, नृपति निठुर मन की, नृपति मतलब राजा, तो वो राजा की स्थिति बड़ी ऐसी दुखी हो जाता है, वो कहता है कि नृपति निठुर मन कीन कहूँ रहीम कैसे जिए थोड़े जल की मीन। तो उस राजा की स्थिति वैसी है जो उस मछली की तरह जो छिछले पानी में तैर रही है। तो आपको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद, अपने कहते हैं ना आखिरी इनिंग में, सेकंड इनिंग मतलब में ही नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं है जिंदगी का। तो इसलिए उसके लिए तैयारी आज से करें, और ये और मान के चलिए कि दिन ब दिन लोगों की जो एवरेज एज है ना, लॉन्जिविटी, वो बढ़ती जा रही है।
तो आप देखोगे विदेशों में तो देखिए ऑलरेडी 90-95 साल के बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी वही हाल है कि दिन ब दिन आपका जो बुढ़ापा है वो लंबा होने जाने वाला है, या जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो बढ़ता जाने वाला है। अगर 50 साल में व्यक्ति रिटायर हो गया, आप सोचिए अगर वो 85 तक भी जिंदा रहता है तो 35 साल हो गए, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप एसेट एलोकेशन प्रॉपरली कीजिए, अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए और वो आपको बताएगा, समझा सकता है या समझा सकती है कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि 50 ओवर में मान लीजिए 300 रन चाहिए, आमतौर पर लोगों को कम निवेश की बीमारी होती है। हाँ। तो अक्सर ये बात कहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। हाँ। लेकिन अगर अब अगले संडे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मान लीजिए भारत ने 20 ओवर में 200 रन बनाए, तो सामने वाला कैप्टन आके बाबर आजम आके रोहित शर्मा से ये नहीं पूछेगा कि मिनिमम कितना बनाऊं कि ना हार, जितना है तो 201 बनाना पड़ेगा। हाँ, सही बात। तो इसी तरह से आपको जीवन का मैच अगर जीतना है तो आपको ये तय करना होगा कि बोर्ड पे मुझे कितना नंबर चाहिए, कितने पैसे चाहिए। बिल्कुल। तब तो आपकी जिंदगी अच्छे से निकल जाए, कम से कम महंगाई से तो ज्यादा ही कमाई। बिल्कुल, ये बहुत बात ध्यान में रखनी है। बहरहाल यहाँ का माहौल तो बहुत ही कबीरमय हो गया है, लेकिन समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस बेहद खास अनोखी चर्चा में आज शिरकत की। इतनी बारीकी से न सिर्फ कबीर के दोहे हमें बताए बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग के भी गुर सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में अगर आप इजाजत दें तो कबीर का एक दोहा, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, कि समय से बड़ा लाभ कोई नहीं है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। समय व्यर्थ मत कीजिए, समय चूक सम चूक, क्योंकि समय बर्बाद करने से बुरी चूक कोई नहीं। चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हो, ये जो चतुर व्यक्ति होता है ना उसको जो समय बीत जाता है उसका बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, चलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम ये पेशकश लेकर आए आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा हो इस खास पेशकश से और इन सब सीखों को आप अमल में लाएं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग और अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।